को, है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमें अपन क्या करेंगे, ऐसा प्राइमा फेसी अपने को लगे ना। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं, है कोई पुरुषोत्तम तो हो, मैं क्या करूं। तो नॉर्मली अपने को ऐसा लगे प्राइमा फेसी के पुरुषोत्तम योग में करने धरने को अपने को कुछ नहीं है, और यदि करने धरने को कछु भी नहीं हो पुरुषोत्तम योग में, तो पुरुषोत्तम योग की कोई भी साधनात्मक वैल्यू रहनी चाहिए, तात्विक वैल्यू रहेगी, मेटाफिजिकल वैल्यू रहेगी, पर कोई भी स्पिरिचुअल एफर्ट के एंगल से अपन देखें तो कोई बाकी वैल्यू रहनी जाए जो अपने को यदि कुछ भी नहीं करना हो तो। और गीता की जा तरह सो हर अध्याय को इश्यू है, वो गीता एक ऐसा शास्त्र नहीं है कि जो केवल तत्व को प्रतिपादन करते हुए कुछ गाइडलाइन भी देना चाह रहे हो है, जब कुछ तत्व शास्त्र और कर्तव्य शास्त्र के, तो केवल तत्व शास्त्र को प्रतिपादन नहीं है कि जहां कर्तव्य के बारे में कुछ भी नहीं बोले जाते हुए, तो हर तत्व से कुछ न कुछ कर्तव्य डिराइव हो रहे हो है, और जो भी कर्तव्य के उपदेश हैं उनमें से कुछ तत्व को स्वरूप भी निखर रहे हो है, और वो जो एक जनरल फ्रेमवर्क है गीता की, वो या पुरुषोत्तम योग में भी इंटैक्ट है, और वो अपन जब वो जब अपन इंटैक्ट है तो अपन देख सकें कि वास्तविकता में यहाँ पुरुषोत्तम योग में कुछ बातें जैसे असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, ये तत्व को वर्णन नहीं है, कुछ तो अपने को गाइडलाइन दे रहे हैं ना, आयो ना, जैसे आने बताया कि अपने योगी छंदांसि यस्य परणानि यस्तम वेदस् स वेदवित्, तो छंद वाक्य पर्ण है, और जो वाकु जाने हैं इन छंदन को वो वाकु जाने हैं, वैसे सच में कोई भी इंपरेटिव स्टेटमेंट तो नहीं आयो, पर एक बात ध्यान समझे वादिन अपन ने विधि की चर्चा करी थी, इंपरेटिव जो स्टेटमेंट है उनके नेचर की चर्चा करी थी, और जहाँ वाकी हार्मेन्यूटिक्स बताई गई है मैंने इंपरेटिव स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करने, या कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट को कैसे इंटरप्रेट करने, वाकी जहाँ हार्मेन्यूटिक्स बताई गई है वहाँ स्पेसिफिकली ये बात कहो गयो है कि हर वक्त कर्तव्य को निरूपण इंपरेटिव स्टेटमेंट में आना जरूरी नहीं है। आपको एक सीधो सा एग्जाम्पल बताऊं के शास्त्र में यूं दियो गयो है, या अपन बोलचाल की भाषा में समझना चाहते हैं, तो अपन अचानक गार्डन में गए हों और अचानक यूं बोले अरे कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है, ये अपन सिर्फ फूल की सुंदरता के एप्रिशिएशन में दियो गयो स्टेटमेंट है कि जाके साथ अपन घूम रहे हैं वाकु इंस्पायर भी कर रहे हो कि तुम भी देखो मुकुया की सुंदरता दिखी है, अपन जब अचानक ही बोले अरे कितना सुंदर फूल है तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट लगे, हम कोई इंस्पिरेशनल बात नहीं लगे फेस वैल्यू पे प्राइमा फेसी, पर आदमी या तरीके के एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट के द्वारा भी कुछ तो इंस्पिरेशन देते हुए है। सो तत्व को निरूपण में भी कहीं कहीं कर्तव्य की गाइडलाइन छुपी भई हुए है, और कर्तव्य की गाइडलाइन में भी कहीं कहीं तत्व को स्वरूप छुपे भयो समझायो जाते हुए, तो या के जो इतना हार्ड एंड फास्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि यदि तत्व को निरूपण है तो कर्तव्य की कोई गाइडलाइन नहीं होगी, या कर्तव्य को निरूपण है जहाँ तो वहाँ वहाँ से तत्व को कोई स्वरूप
डेराइव अपन नहीं कर सके। जैसे छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदेवित, वेद वाक्य या वृक्ष के पत्ता हैं और इन पत्तान को जो जाने हैं वो वृक्ष को जान पावे। याद हो तो अपन ने बारे में चर्चा करी थी कि एक बाजू असंग होने की बात कह रहे हैं और एक बाजू ये बात को इतना हाइपरबोलिक स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि तुम यदि वेद के पत्तान को नहीं जानोगे तो यह वृक्ष को तुम नहीं जान सकोगे। और याद हो तो मैंने ये बात कही थी कि कोई भी वृक्ष की पहचान वाक्य पत्तान से ही हुआ है कि कैसे जात के वाक्य पत्ता है, एक पत्ता को वृक्ष है कि तीन पत्ता को वृक्ष है कि पांच पत्ता को वृक्ष है कि मल्टीपल पत्तान को वृक्ष है, जीने जीने पत्तान को वृक्ष है कि केला के जैसे एक ही बड़ो पत्ता को वृक्ष है। तो ये वृक्षन की जो भी बॉटनिकली वेराइटी अपन जानते हुए उनमें प्राय पत्तान को ही प्रोमिनेंस हुआ है। तो वेद गीत यही नहीं, गीता में अन्यत्र भी भगवान यो कह रहे हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये जितने वेद हैं ना ये सारी वेद की कमांड अपन प्रकृति के तीन गुणन में कैद हैं वालिये प्रकट भई हैं। वेद में जो भी कुछ कर्तव्य की बातें समझाई गई हैं वाको एलिजिबल कौन है, वाको एलिजिबल अपन है। अपन कैसे कि जो प्रकृति के सत्व रज तीन गुण हैं वहां में अपन पिंजरा में बंधे पए हैं, उनको एड्रेस करके बात कही गई है। और वहीं भगवान गीता में ये बात भी कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, और तू तेरे क्रेविंग्स ऐसी रख, तेरे एम्बिशन ऐसे रख कि इन तीनों गुणों से तू ऊपर उठ सके। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट लगे ना अपने को, पर अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सके हैं कि हर वक्त जा चीज को अपन त्याज्य समझ रहे हैं और जा चीज को अपन ग्राह्य समझ रहे हैं, वहां में त्याज्य और ग्राह्य को जो कंपार्टमेंट है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। कंपार्टमेंट नहीं है ऐसी बात नहीं है, पर हर त्याज्य कोई एक एक दायरा के बाद ग्राह्य बन जाता हुआ है और हर ग्राह्य कोई एक दायरा में आके त्याज्य बन जाता हुआ है। यह बात ध्यान से समझो कि लाइट पे भी लागू हुआ है। लाइट जो अपने को देखने को साधन है वो एक इंटेंसिटी से ज्यादा ही तो देखने में बाधक हो जाए। साउंड वेव जो अपने को सुनने को साधन है वो एक इंटेंसिटी से ज्यादा लाउड साउंड भयो ना तो वो अपने कान के पर्दा भी फोड़ सके। और गंध के साथ भी यही है, स्वाद के साथ भी यही है, स्पर्श के साथ भी यही है। तो जो जानने के अपने साधन हैं वो एक गिवन प्रपोर्शन में अपने को साधन हैं और जहाँ उनको प्रपोर्शन बिगड़ो तो वही चीज बाधक हो जाए। तो ग्राह्य और त्याज्य में जा तरीके को अपन वाटर टाइट कंपार्टमेंट करें हैं वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट कहीं न कहीं अपने को पुरुषोत्तम की समझ देने में बाधक हुए है। मेरी बात ख्याल में आई ना? और ये बात या पुरुषोत्तम योग ने शुरुआत से कर दी है कि जो वेद जाके पत्तांशु वाकु पहचाने जा सके वहां में जब तक तुम असंग नहीं होगे तब तक वाकु नहीं पहचान सकोगे। अक्सर संगीत की शिक्षा में, तालवाद्य की शिक्षा में कुछ राग कुछ गीत कुछ
कायदा सिखाए जाए, रियाज अपन उनको करें ना, वह गीत को वह कायदा को, तो अपने को ताल आवे।